I'm starting with question number 11. In question number 11, we are given ABC and ADC are two right triangles with common hypo AC. हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है जिनका हाइपो जो है कॉमन है एसी, तो ये हमने इधर हाइपो एसी ले लिया एंड लेट दिस बी द फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस बी द सेकंड ट्राइंगल. तो एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद द कॉमन हाइपो एसी. प्रूफ दैट एंगल सी ए डी is equal to angle CBD. हमें प्रूव करना है दैट लेट दिस पॉइंट बी डी. हमें प्रूव करना है दैट एंगल सी ए डी जो है यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी डी दिस एंगल. सो दीज टू एंगल्स वी आर to prove that these are equal. तो अब क्योंकि देखो हमें इनका जो है कॉमन हाइपो गिवन है ए सी और बी और डी जो हमें पॉइंट गिवन है ये हमें गिवन है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. तो हम क्या करेंगे टेकिंग ए सी एज डायमीटर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. जब ए सी को हम डायमीटर दे रहे हैं और हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे क्योंकि बी और डी हमारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं तो इट मींस जो हमारे ए बी सी डी पॉइंट्स आएंगे दैट पॉइंट्स विल बी कंसाइक्लिक. क्यों? क्योंकि ए सी को हमने डायमीटर लिया है तो दीज टू पॉइंट्स विल डेफिनेटली लाई ऑन द सर्कल एंड एंगल बी और एंगल डी आपको 90 डिग्री के गिवन है एंड वी नो दैट इफ ए सी इज द डायमीटर तो एंगल इन अ सेमी सर्कल. ये मैंने ए सी डायमीटर लिया अगर तो एंगल इन अ सेमी सर्कल दिस इज 90 डिग्री. सेम वे में मैंने अगर इधर सेमी सर्कल लिया तो एंगल इन अ सेमी सर्कल दिस इज 90 डिग्री. तो ए बी सी डी मेरे क्या पॉइंट्स हो गए कंसाइक्लिक हो गए. अब मुझे सिंपली शो क्या करना है दैट सी ए डी यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू सी बी डी यानी कि ये वाला एंगल. तो अब अगर मैं इस पार्ट को छोड़ दूं इसको इग्नोर करूं अगर मैं तो आई कैन सी क्लियरली यहाँ पे सी डी मेरी कॉर्ड है. अब इस कॉर्ड सी डी से ये बी पे और ये ए पे. अब देखो ये सी डी कॉर्ड है तो ये सेम सेगमेंट हो गई बी और ए दोनों के लिए एंड आई नो दैट द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो हम ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. हमने क्या किया क्योंकि ये एंगल्स 90 डिग्री के गिवन थे तो टेकिंग एसी एज डायमीटर वी हैव ड्रॉन अ सर्कल तो पॉइंट्स बी एंड डी विल लाई ऑन द सर्कल. अब पॉइंट्स बी और डी सर्कल पे हैं ए और सी उसके एंड पॉइंट्स पे हैं यानी कि ए बी सी डी चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं. तो सी डी दिस इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड एंगल सी बी डी एंड सी ए डी बोथ आर लाइंग इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल सो बोथ ऑफ दीज एंगल्स विल बी equal. So write down taking AC as diameter ये आप कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे गिवन एंड टू प्रूव यू कैन राइट डाउन योर सेल्फ. गिवन में आप लिखेंगे ट्राइंगल राइट ट्राइंगल एबीसी एंड राइट ट्राइंगल एडीसी. मैं गिवन इधर लिख रही हूं फर्स्ट पॉइंट राइट ट्राइंगल एबीसी विद एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री. पॉइंट सेम राइट ट्राइंगल एडीसी विद एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. कॉमन हाइपो एसी प्रूव करना है आपको एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी
अब ये आप कंस्ट्रक्शन में लिख देना, टेकिंग ए सी एज डायमीटर, ए सी को हमने डायमीटर ले लिया, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू बी एंड डी, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो बी और डी से पास करेगा। अब प्रूफ में आप लिखेंगे सी डी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सो क्लियरली एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, angles in the same segment. So hence proved. Last में आप लिख देंगे hence proved. So this was your question number 11. So आपको जो है इस chapter के जब आप ये proofs दे रहे हो तो यू वुड हैव सीन कि इनके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू डू दिस चैप्टर। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल, या परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, यू शुड नो दीज तभी आप ये चैप्टर इजिली कर पाओगे। So I guess you would have done this. If any doubt is there, so you can ask. Otherwise, moving on to question number 12. Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. हमने अब prove करना है कि जो एक cyclic parallelogram होता है, that is a rectangle. अब देखो, जब भी cyclic की बात आ गई, आपने क्या करना है? साइक्लिक की बात आ गई मतलब आपने अपने आप को जो है ये एज्यूम करके चलना है कि जो उसके पॉइंट्स हैं दैट आर लाइंग ऑन द सर्कल। तो अब हम जो इसकी फिगर बनाएंगे वो भी हम इसी तरीके से बनाएंगे कि सर्कल के साथ हम लेके चलेंगे दिस। अब हमें जो है गिवन है साइक्लिक पैरेललोग्राम, शो करना है इसको रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल शो करना है तो ऑलरेडी वी विल मेक द figure of a rectangle. Name दे दो इसको A B C D. तो given में है आपका a parallelogram A B C D. साइक्लिक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब देखो, जब हमें पता है दैट द गिवन दिस जो भी क्वाड्रिलेटरल है आपका दैट इज साइक्लिक, तो साइक्लिक का मीनिंग मुझे पता है दैट ओपोजिट जो एंगल्स हैं दैट आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो इट मींस ए और सी इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दूसरी तरफ मुझे क्या गिवन है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की कंडीशन मुझे पता है दैट द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं, दोनों का सम 180 भी है, तो इट मींस बोथ ऑफ द एंगल्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब आ गया पैरेललोग्राम में, दो एंगल्स मैंने शो कर दिए 90 डिग्री हैं, तो आई नो कि पैरेललोग्राम में इफ इवन इफ द वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री तो इट मींस दिस इज अ रेक्टेंगल। तो दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज साइक्लिक, इज अ पैरेललोग्राम ले लो पहले, इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, इक्वेशन वन लो. ए बी ऑल्सो, ए बी सी डी इज साइक्लिक. अब क्योंकि ये साइक्लिक भी गिवन है, हमें साइक्लिक गिवन है, तो इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री. अब यहाँ पे जो आपकी कंडीशन यूज हुई है वो साइक्लिक की यूज हुई है. आपको पता होना चाहिए साइक्लिक में सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है दैट इज 180 डिग्री. ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इक्वेशन वन यूज करेंगे, ए को या सी को, किसी एक को रिप्लेस कर लो. तो यूजिंग इक्वेशन वन, एंगल ए प्लस एंगल ए इज 180, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज 180, एंगल ए इज 90. ठीक है, अब एक एंगल मैंने शो कर दिया 90 डिग्री है. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. With one angle 90 degree, therefore ABCD is a rectangle. You know कि जब भी एक parallelogram with one angle 90 degree given होता है तो it means it is a rectangle. So this was your question number 12. हमें cyclic parallelogram given था. हाँ जी बेटा. मैम इसके अंदर सेमी सर्कल वाला कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है कि AC एज अ डायमीटर. हां यू कैन यूज दैट, यू कैन डेफिनेटली यू कैन. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर गोइंग टू डू द एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर. The next test that you will be having will be subjective, and that is of exercise 10.3 and 10.4. These two exercises, along with the examples, you are to prepare 10.3 and 10.4. Dekho, hardly 11 or 12 questions hoenge. One full week you are having. If you will be having any doubt, to aap mere se in between pooch sakte ho in the lecture. और यू कैन पर्सनली व्हाट्सएप ऑल्सो. बट आपके जो टेस्ट है दैट शुड बी डन ऑनेस्टली. ऑनेस्टली आप लोगों ने करना है. कल वाले टेस्ट में इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन आस्क. अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग विद द एग्जांपल 3, पेज नंबर 183. कल वाले टेस्ट के किसी क्वेश्चन में, ओके फाइन, थैंक यू. दो तीन बच्चे हैं ऐसे जो रिस्पॉन्स दे देते हैं, बाकी तो पता ही नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं. एंड टुमारो ऑनवर्ड्स अपना रेडी होके बैठना. कल से जिसकी वीडियो ऑन होगी ओनली दैट चाइल्ड विल बी देयर इन माय क्लास. वीडियो ऑन करनी इज कंपलसरी. इफ एनी चाइल्ड इज हैविंग एनी नेटवर्क इश्यू तो गेट दिस मैसेज टेक्स्टेड बाय योर पेरेंट्स कि हम वीडियो ऑन नहीं करवा सकते बच्चे को. बट एंटर करने से पहले यू आर टू टर्न ऑन योर वीडियो, देन ड्यूरिंग द लेक्चर यू कैन टर्न ऑफ इफ योर पेरेंट्स विल पर्सनली कॉल मी मैसेज. क्योंकि आप खुद भी कर सकते हो तो दे आर टू कॉल मी फॉर दिस इफ एनी नेटवर्क इश्यू इज देयर. सो एग्जाम्पल 3, पेज नंबर 183. देखो, in the given figure 10.32, AB is a diameter of the circle, CD is a chord equal to the radius of the circle, AC and BD, AC or BD ko when extended intersect at a point E. Prove that angle AEB jo hai that is equal to 60 degree. Hame ye show karna hai. तो देखो जो जो गिवन है वो हम लेते जाएंगे. इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ये हमने ए बी डायमीटर ले लिया. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये रेडियस है सर्कल के,
तो इधर से सी डी जो है कॉर्ड है, अब सी डी जो कॉर्ड है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, इट मीन्स ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू सी डी है, ये तीनों साइड्स इक्वल, मीन्स दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में यू नो दैट ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये चीज पता लग गई। पहली कंडीशन उन्होंने क्या गिवन थी, हमें दी हुई है कि जो ए बी है दैट इज अ डायमीटर, हमने डायमीटर ड्रॉ कर लिया। फिर उसने कहा कि सी डी जो है वो एक कॉर्ड है, और कॉर्ड इस तरीके से है कि इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ओ सी और ओ डी भी रेडियस है सर्कल के, यानी कि ओ सी, ओ डी और सी डी, ये तीनों लेंथ ट्राइंगल की इक्वल हो गई। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स हमारे कितने हो गए, 60 60 डिग्री के हो गए। अब वो क्या कह रहे हैं, ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। इधर से ए सी को जब हम एक्सटेंड करते हैं और इधर से बी डी को जब हम एक्सटेंड करते हैं, तो दीज इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट ई, ई पॉइंट पे ये मीट करते हैं। सो वी आर टू फाइंड द वी आर टू प्रूव दैट एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल जो है दैट इज 60 डिग्री। सो एनी वन ऑफ यू कैन ट्राई। एंगल्स सब्टेंडेड बाय द सेम कॉर्ड आर इक्वल, एंगल्स सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड्स आर इक्वल, तो फिर कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? एंगल सी ओ डी इक्वल टू सी ई डी। बट ई जो है दैट इज नॉट इन द सर्कल, द एंगल्स सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पे सेगमेंट्स इक्वल नहीं आ रही हैं आपकी, सेगमेंट्स शुड बी इक्वल। सेगमेंट्स इक्वल होनी चाहिए बेटे। ए बी डायमीटर गिवन है, एक तो मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया, ये सेंटर पे एंगल 60 डिग्री का बन रहा है आपका, एक मैंने ये कंसेप्ट ले लिया, इनको छोड़ दो, ये नहीं यूज होने आपके। एक मुझे ए बी डायमीटर भी गिवन है। अब ए बी मुझे डायमीटर अगर गिवन है तो इट मीन्स की एक्सक्यूज मी यस बच्चे, मैम, हम कंस्ट्रक्शन से सी और बी को ज्वाइन अगर कर दे हाँ जी कर सकते हैं बेटा, करेंगे तभी, क्योंकि हमारे पास ये एंगल बनेगा ए सी बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ गया। अब ये मेरे पास यस नाइन्टी मैम। डिग्री आ गया, तो इट मीन्स जो ये बाकी वाला एंगल है, ये वाला, दिस वन विल ऑल्सो बी 90 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब देखो इस ट्राइंगल में आई एम हैविंग दिस एज 90, ये मुझे 60 प्रूव करना है, यानी कि मुझे ये वाला एंगल जो है वो निकालना पड़ेगा। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल, एंगल सी बी डी यू कैन फाइंड आउट। मैम हमने COD हमने निकाल लिया 60, तो मैम वो डबल हो जाए, हाफ हो जाएगा एंगल यस, CBD के। वेरी गुड वेरी गुड। सी जो है आपका सी ओ डी, आप 60 डिग्री निकाल चुके हो, ठीक है, एंगल एट द सेंटर आप निकाल चुके हो, और सी बी डी जो है दैट इज एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर सी ओ डी आपका 60 डिग्री है, तो एंगल सी बी डी जो है, क्योंकि वो रिमेनिंग पार्ट पे है, तो दैट विल बी हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर, यानी कि दैट विल बी हाफ ऑफ 60 डिग्री, यानी कि दैट विल बी 30 डिग्री। तो ये एंगल आ गया आपका 30 डिग्री। अब ये ट्राइंगल में जो है बी ई सी में,
एंगल सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 90 डिग्री है, ये हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री, 90 प्लस 30 प्लस ये मुझे 60 प्रूव करना है, तो मैंने इसको x ले लिया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल ए ई बी इक्वल टू 60 डिग्री। दोबारा देखो क्या मेथड हमने यूज किया है, पहले हमें ये गिवन था कि सी डी जो है दैट इज अ कॉर्ड whose length is equal to this radius. तो OCD equilateral triangle बन गई. It means जो angle at the center है वो 60 degree बन गया. Second condition क्या given थी हमें कि जो AB है that is a diameter. AB diameter है तो it means जो C पे angle आपका बन रहा है, angle in a semi circle बन रहा है, तो this will be 90 degree. तो ACB जो है ये क्या बन गया आपका 90 degree. अब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है. अब ये 90 है क्योंकि ACE जो है वो स्ट्रेट लाइन जा रही है आपकी, तो इट मींस कि ये एंगल जो है लीनियर पेयर बन रहा है, तो एक साइड अगर 90 है तो दूसरी साइड पे भी 90 होगा. अब इधर वाले एंगल पे आ जाओ. अब ये ट्राइंगल में मुझे ये थर्ड एंगल निकालना है, तो सेकेंड एंगल भी पहले निकालना पड़ेगा. सेकेंड एंगल कैसे निकालेंगे, सेंटर पे ये वाला एंगल हमने 60 डिग्री ले लिया, तो सेम कॉर्ड से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल विल बी 30 डिग्री. तो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री. 90 प्लस 30 इज 120. एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 180 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 3. नाउ मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4. जो इसका सॉल्यूशन है दैट यू विल डू फ्रॉम द बुक ओनली. नाउ मूविंग ऑन टू एग्जांपल 4. एग्जांपल 4 में देखो व्हाट वी आर गिवन. इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स. अब हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ए बी सी डी साइक्लिक मतलब ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग इन द ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल्स. तो कहीं पे भी आप पॉइंट्स ले लीजिए. इन विच ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स. और क्या गिवन है, एंगल डी बी सी is 55 degree D B C. This angle is 55 degree. Angle B A C is 45 degree. And what we are to find out, angle B C D. Angle B C D we are to find out. Any one of you? अब यहाँ ध्यान देना है, AC और BD जो है वो diagonals given है हमें, diameters given नहीं है. तो ये गलती मत करना कि BD जो है वो diameter है तो angle C 90 degree होगा. That will be wrong क्योंकि ये हमें diameter given है. Yes. मैम एंगल बी ए सी इक्वल्स टू बी डी ए बी डी सी बिकॉज एंगल सबस्टेंडेड सेम कॉर्ड. यस, बी सी अगर हम कॉर्ड लेते हैं तो एंगल बी ए सी एंड एंगल बी डी सी ये दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. तो एंगल बी ए सी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल बी डी सी. कॉर्ड बी सी से दीज आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. तो ये 45 है तो दिस विल आल्सो बी 45 डिग्रीज. अब एंगल बी डी सी में यू विल यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी. 55 प्लस 45 प्लस जो आपको एंगल निकालना है इन तीनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री. 55 प्लस 45 इज 100. तो 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला जो आपका एंगल आपको निकालना था दैट विल बी 80 डिग्री. ठीक है, 80 डिग्री. सो क्वेश्चंस देखो,
प्रैक्टिस से आएंगे, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको जो है इनको करके देखना पड़ेगा। नाउ मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी। ए डी एंड ए सी आर द डायमीटर्स। प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी। एंड छोटा सा क्वेश्चन है, इजी भी बहुत है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ दिस इज एग्जाम्पल 5 ऑफ पेज नंबर 184। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी। दो सर्कल्स गिवन है, ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिगर नहीं भी गिवन तो यू कैन ड्रॉ। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, ए डी एंड ए सी आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल्स। तो ए डी एंड ए सी आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल्स। तो आपको शो करना है दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को ज्वाइन कर देंगे। अब क्योंकि ए डी जो है वो आपका डायमीटर है, तो डायमीटर वाला कंसेप्ट लगाएंगे इन सेमी सर्कल। क्या कंडीशन होती है? एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल्स इन दी सेमी सर्कल आर राइट एंगल एंड सिमिलरली एंगल ए डी सी। हाँ जी, ये एंगल इन अ सेमी सर्कल है, तो ये वाला एंगल जो है आपका ये 90 डिग्री का बनेगा। सेम वे में ये क्योंकि आपका डायमीटर है, तो ये वाला एंगल जो बनेगा आपका दैट विल आल्सो बी ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप, दोनों एंगल्स हमारे नाइनटी मैम नाइनटी के आ गए। दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, करते हैं एंगल एबीडी प्लस एंगल एबीसी इक्वल्स टू 90 प्लस 90 व्हिच इज 180। ए बी डी प्लस ए बी सी दोनों का सम 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री। और जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री बन रहा होता है, इट मींस दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर बना रहे हैं वो, दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि डी बी सी जो है वो एक लाइन है, तो इट मींस पॉइंट बी जो है दैट लाइज ऑन डी सी। पॉइंट बी जो है वो डी सी पे लाई करेगा। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो क्या कहा उसने हमें। प्रूफ दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो साइक्लिक शो करने के लिए सिंपली ओपोजिट एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री, ओपोजिट एंगल्स हम सप्लीमेंट्री जो है वो शो करेंगे। स्नेहा भाटिया, टर्न ऑफ योर वीडियो, दिस इज नॉट द वे टू स्टडी। प्रूफ दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो आपने एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो बना लेना है। क्वाड्रिलेटरल के देन एंगल बाइसेक्टर्स हम लेंगे, एंड एंगल बाइसेक्टर्स का जो है हम शो करेंगे जो उससे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दैट इज साइक्लिक। तो किसी भी तरीके से आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लो। ये आपका ए बी का एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर और ये इसका एंगल बाइसेक्टर। तो ये सेंटर में क्वाड्रिलेटरल बन गया। कुछ भी नेम दे दो आप इसको, अगर मैं बुक के हिसाब से ही नेम्स दे रही हूँ ताकि आपको जब सॉल्यूशन देखो तो कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज योर ए बी सी एंड डी, और यहाँ से है आपका दिस इज ई एफ जी एंड एच। सो हमें ई एफ जी एच को साइक्लिक प्रूव करना है, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180। गिवन क्या है मुझे, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी जो है वो मुझे
कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, यहाँ पे बी है, दिस इज बी एंड ऊपर डी है, चलिए कौन बताएगा? एनी वन ऑफ यू कैन टेल? यस वत्सल, योर हैंड वॉज रेज्ड, यू कैन टेल. आंसर बताना था मैम. हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू, सॉरी, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. यस, हाफ ऑफ, इस तरह का हमने किया भी हुआ है क्वेश्चन पहले, इफ यू रिमेम्बर. हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल ए ई बी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी हमने इन ट्राइंगल ए ई बी. यस मैम, ए एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी माइनस हाफ ऑफ एंगल बी. माइनस हाफ ऑफ एंगल ए माइनस हाफ ऑफ एंगल बी, वेरी गुड. ए ई बी इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी ब्रैकेट में. ओके, सो ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम. सिमिलरली बाय इन ट्रायंगल डीजीसी, इन ट्रायंगल डीजीसी सेम वे में, सेम चीज, सेम कंसेप्ट. यहाँ पे ए ई बी एंगल की हम बात कर रहे थे, तो हाफ ऑफ ए और बी का सम हमने सब्ट्रैक्ट किया था. यहाँ पे हम डी जी सी की बात कर रहे हैं, तो हाफ ऑफ डी और सी का जो सम है दैट वी विल सब्ट्रैक्ट. बिल्कुल ठीक है, आगे. मैम बट एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल एफ ई एच वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो एफ ई एच इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी. यहाँ पे ही मैं इसको कर रही हूँ एंगल ए ई बी, क्योंकि एफ ई एच के इक्वल है ये दोनों एंगल्स. यू कैन सी दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो इस एंगल का नेम मैंने इस एंगल के नेम से रिप्लेस कर दिया. सेम वे में वी विल डू हियर, ये एंगल और ये एंगल आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये मैंने एफ जी एच से रिप्लेस कर दिया. नाउ यू आर टू एड दीज टू, क्योंकि बेल हो गई है, सो आई एम गोइंग क्विकली. एफ ई एच प्लस एफ जी एच, इन दोनों का सम हमें 180 शो करना है, तो दिस विल बी हाफ ऑफ हाफ माइनस हाफ कॉमन ले लोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. अब चारों एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल गिव्स यू अ सम ऑफ 360, तो हाफ ऑफ 360 इज 180, सो इट मीन्स इन दोनों एंगल्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. So this was your example number 5. In your homework, all of these examples, 3rd, 4th, 5th, 6th, you are to do in your practice notebook. And question number 11 and 12, you will do in your fair notebook. And this chapter 11, you will make a PDF and send to me for checking.